कोरोना वायरस ने इस वक्त हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को ठप किया हुआ है। खेल के सभी प्रतियोगिताएं भी स्थगित हो चुकी हैं और सभी खिलाड़ी घर पर अपने परिजनों के साथ समय बिता रहे हैं। कुछ ऐसा ही टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी कर रहे हैं। शमी घर पर वर्कआउट करने के अलावा अपने पालतू डॉगी जैक के साथ खेलकर समय काट रहे हैं। सोमवार को शमी ने डॉगी के साथ फोटो शेयर की, जिसे कई फैंस ने पसंद किया, तो वहीं कुछ तो इतने नाराज हो गए कि शमी को गद्दार तक कह डाला। दरअसल आपको बता दें, मोहम्मद शमी से फैंस इसलिए नाराज थे क्योंकि वो अपने घर से बाहर निकले थे। कोरोना वायरस के चलते केंद्र और राज्य सरकारें लगातार लोगों से घर के अंदर रहने की अपील कर रही हैं। हालांकि मोहम्मद शमी तो अपने घर के गार्डन में ही थे। एक फैन ने शमी की फोटो पर कमेंट करते हुए उन्हें गद्दार तक कह दिया। दरअसल आपको बता दें, वो फैन इसलिए नाराज था कि कोरोना वायरस के दौरान शमी अपने पालतू जानवर के साथ खेल रहे हैं। इस फैंस को गलतफहमी थी कि पालतू जानवरों से भी कोरोना वायरस फैलता है, जबकि ऐसा नहीं है। दरअसल आपको बता दें, हांगकांग में कुत्ते की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई थी, पर इस खबर में सच्चाई कितनी है ये अलग विषय है। वहीं आपको बता दें, शमी ही नहीं मोहम्मद कैफ को भी फैंस ने ट्विटर पर बुरा भला कहा। मोहम्मद कैफ ने जनता कर्फ्यू के दौरान तालियां बजाने और थाली बजाने की वीडियो शेयर किया था, जिससे उनके मुस्लिम फैंस भड़क गए और उन्होंने इस कदम को गलत ठहरा दिया। क्रिकेट खिलाड़ियों को अक्सर ऐसे सिरफिरे फैंस से जूझना पड़ता है। हालांकि सभी क्रिकेट खिलाड़ी कोरोना वायरस महामारी से अपने सभी फैंस को जागरूक कर रहे हैं और उन्हें इससे बचने के लिए उपाय बता रहे हैं। आर अश्विन, विराट कोहली, गौतम गंभीर समेत कई खिलाड़ी लगातार सोशल मीडिया पर फैंस के साथ संपर्क साधे हुए हैं। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।